उज्जैन पुलिस ने सनसनीखेज लूट की वारदात को अंजाम देने वाले मुंबई के बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, रविंद्र नगर में हुई सनसनीखेज लूट को मुंबई के बदमाशों ने अंजाम दिया था। घटना के मास्टरमाइंड उज्जैन के युवक ने बदमाशों को हायर कर जेल बुलाया था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर 1,00,000 नगद, पिस्टल, कारतूस और अन्य सामान जब्त किया है। यहां बता दें कि सोमवार को रविंद्र नगर कॉलोनी में रहने वाले किराना व्यापारी महेश संगतानी के घर में घुसकर बदमाशों ने दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में 1,00,000 नगद और चांदी के सिक्के सहित अन्य सामान लूट लिया था। बदमाश अपने आप को पुलिस जवान बताकर घर में घुसे और व्यापारी और पत्नी के सिर पर कट्टा अड़ाकर वारदात को अंजाम देकर कार में बैठकर फरार हो गए थे। माधवनगर पुलिस ने मंगलवार को मामले का खुलासा कर दिया। सीएसपी हेमलता अग्रवाल ने बताया कि घटना का मास्टरमाइंड उज्जैन निवासी विजय चंद्रावत है, जिसने मुंबई से ताराचंद गुप्ता और जगदीश कोहली नामक बदमाश को हायर कर वारदात को अंजाम देने के लिए उज्जैन बुलाया था। दोनों बदमाश मुंबई के जोगेश्वरी इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर इनके पास से 1,00,000 नगद, एक पिस्टल, चाकू, 55 चांदी के सिक्के, 3 जिंदा कारतूस एवं वारदात में उपयोग की गई कार जब्त की। बता दें कि विजय चंद्रावत भाजपा नेता है, जिसकी तस्वीर एक भाजपा मंत्री के साथ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आरोपियों को जाते हुए नंगे हाथों से पकड़ लिया और